सब भाइयों ने राम राम भाई। यूट्यूब पर वीडियो बनाने का सबसे ज़्यादा फायदा एक सा भाई, जिस तरह मान लिया आप ही जो वीडियो बनावा, अगर उसने फ़ोन कम है अगर रखेंगे तो फ़ोन की जो स्टोरेज है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी भाई। एक चैनल बनाइए और अपनी जो भी मान ले पारिवारिक फोटो हैं वीडियो हैं वो यूट्यूब चैनल पर डाल दीजिए। देखो वो चैनल चले या न चले वो एक अलग बात है, लेकिन नहीं सोच लो जिंदगी भरता है कि जो स्टोरेज है यूट्यूब चैनल पर आप कभी भी जाकर कोई भी वीडियो किसी भी तारीख की आप देख सकते हैं, फोटो देख सकते हैं भाई। फोन की जो मेमोरी है ना वो बढ़ने से बच जाती है भाई। सबसे ज़्यादा फायदा तो यो है। और भाई फिलहाल है शाम का टाइम है, दूध निकालने लग रही है, तो आज भाई हल्की बरसात हुई है और गर्मी तो देखो एकदम बहुत राहत मिली है, लेकिन अगर कल मान लो कि बरसात नहीं होती है तो हुम्स इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि भाई जिस तरह मान ले जो दिन में जो गर्मी होएगा ना उस तो भी ज़्यादा बड़ी की गर्मी हो जाएगी। तो ये अपना पशु बाड़ा है भाई, नरे पशु ये पशु देखेंगे आपने इस साइड ने, अपना विलेज लाइफ है भाई यानी ग्रामीण जीवन। तो भाई पशुओं का काम सबसे पहला है, ये टाइम हो चुका है जिस तरह मान ले दूध निकालने का। तो ये अपने बड़ी भैंस है यानी कि बड़ी तो क्या है भाई, दूजने है या लेकिन इससे तो बड़ी है या सहमी दिखना है रिया झोटी बोला है इसने। ये भी इसका दूध निकालने लग रही है, लगभग 10 महीने हो लिए होंगे इसने ब्याई ने। ये दूध कम हो रहा है भाई, और कम किस वजह से, बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह हो रहा है भाई। तो भाई कहीं नहीं सोचता हूँ हमारा बेटा इन्हें उन्हें डांगर डोर की वीडियो दिखाई जा भाई। टूर पर कड़े जावा, शिमला जाने का टाइम को नहीं, क्यों इन्हें भाई पिछत कौन संभालेगा। एक तो वो सांड से वो मैं लिया को नहीं सू, मेरे बिना ना किसा दुर खुलवावे ना बंदवावे। इसमें ना भाई ये जो भैंस है ये दूध कौन दिन है। तो भाई अगर मान लिया शिमला टूर पर चल भी गए तो कटोरा लेके ना उन्हें आनना पड़ेगा दूध का, पड़े ये कतरे क्यों ये दोनों नाच जाएंगे भाई। वीडियो तो अपना जो है ना भाई कौन खेत में चल गए खेत में बना लिया घर ही सा। तो भाई जिस तरह डांगर ढोर का जोया करा है, जिस तरह मान ले दूध भाई इन नीरा है दूध काढ़ा है, इस चीज़ के वीडियो बने हैं। और भाई टूर टार का कोई सिस्टम को नहीं, रापड़ी रापड़ी तेरे को नहीं बेटा कर दे रापड़ी तो ही पावस के हेमंत की दरेड़ी है। तो भाई अब भैंसे थोड़ा दूध कर रखा है भाई, तो नाम मात्र मान लियो ये भी लगभग दो एक बिना रह गया होगा इसका ब्याहन का, तो ये छोड़नी पड़ेगी। अरे बाबा छोड़ी नहीं को नहीं सह कि थना में दूध रह जाएगा तो कोई दिक्कत या समस्या ना हो जाए अगला ब्याह तुम्हें, इसलिए थोड़ी 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 करके धार मारनी पड़े। तो भाई वीडियो कैसी लगी? वीडियो तो अच्छी लग गया भाई, जो अपना ग्रामीण जो इलाका रिलेटेड है उन ना तो भाई एक नंबर की वीडियो लग गया। लेते पूछ लिया दूध कितना कर दिया, कितना दूध दियो है भाई 16 लीटर वाली भैंस सया, लेकिन ये भाई 10 महीना हो गया ब्याई आ रही, एक दो बिना रह रहा हूँगा मेरे ख्याल से ब्याह का। तो भाई बेचारी भैंस की कोई गलती को नहीं, गर्मी ने भयंकर गर्मी बेनता भाई दूध फूक दिया। आकटा का दूध बढ़ गया है इसी गर्मी में, तो पशु के चीज का तो के खा गी तो किम बोली को नहीं। दूध का डोंगर दो रहे बोले ओहो बजा ठीक है भाई, या चिटली आंगड़ी देख चोट ग्रस्त हो रही है ठीक है, इतना दर्द में बोलियो कौन था भाई। तो भाई वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, वीडियो को लाइक करें शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।